Didn't take very long after meeting you for me to make a move. Less than a week. And I told myself not long before that I had to focus on school and any involvement with a girl I would not seek. But when you showed up, all the self-promises and plans I made went straight out the window. I had the courage to start this, but I went about it all wrong. अलग अलग लक्ष्य कर मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बनाने लगे हाइलाइटर। तो आज मैं उसकी रेसिपी आपको बताऊंगी कि वो मैंने कैसे बनाया। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने हाइलाइटर बनाया था, तो मैंने वो घर में बनाया था। पहले जो मैं बताती हूँ, जो मैंने घर में हाइलाइटर बनाया था, जनमंत्रा ये है वो। अब इसे खोल के बताती हूँ। वाओ, ये कितना चमकदार है। और ये हाइलाइटर है और ये कितना चमकदार है, पिंक कलर का। और अब मैं आपको इसे ट्राई करके बताऊंगी। ये देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत चमकदार है। अब मैं आपको सिखाती हूँ। हमें जो चीजें चाहिए, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ये है गोल्डन कलर का शाइनर, ये देख सकते हैं आप, पिंक शेड। हमें चाहिए सिल्वर शाइनर। ये है स्पिरिट, ये इसके तो मैंने स्पिरिट। हमें चाहिए पाउडर शाइनर। चलिए बनाते हैं। ये है गोल्डन कलर का, हमें थोड़ा सा लेना है। चाहिए सिल्वर शाइनर थोड़ा सा, चाहिए रेड कलर, ये हमने रेड ले लिया। अब हम ये डल गया। यहां से हम पिंक शेड निकालेंगे, पिंक डल रहा है, पिंक डल जाओ, जेल मेटल वो डालो। अब हम इसे करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। ये देखिए, ये मिक्स हो रहा है। हमारे पास कोई अच्छा कलर, पिंक कलर का ऐसा नहीं आ रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना हम यही वाला यूज कर लिया जाए। तो हम यही यूज करेंगे अब। वो है पीरियड डालेंगे हमें सिर्फ हाफ टी स्पून।
क्लियर। अब हम इसमें स्पिरिट डालते हैं। वाह पानी पानी हो गया। अब हम इसे मिक्स करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये देखिए कितना प्यारा है पिक कलर का। अब मैं आपको अपनी चिकन स्प्रे लगा के दिखाऊंगी। ये देखिए मेरी चिकन स्प्रे इतना शाइन कर रहा है। ये वो ब्लॉग देखिए मेरे। अगर मेरी वीडियो अच्छी मेरी वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।